हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जोसीना सिरप, जो कि कफ और कोल्ड के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है हमारी बॉडी के लिए। सारी जानकारी इसकी भी इस वीडियो में देने वाले हैं। आज हम हिंदी में क्या क्या ये काम करेगी, किस किस पर्पज में हम इसको यूज कर सकते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, डोजेज क्या होगी, सारी ही जानकारी इस वीडियो में आज आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहे अंत तक, क्योंकि बीच में छोड़ने के स्किप करने के बाद में या छोड़ने में आपको बहुत सारा कुछ छूट सकता है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके और आपके फ्रेंड्स लोग की हेल्प हो जाए। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं जोशीना सिरप की, जो कि एक सबसे पहले इसकी कंपनी की बात करते हैं, हमदर्द कंपनी की, जो यूनानी कंपनी है, आयुर्वेदिक हमदर्द वर्षों से चली हुई आ रही है, उस कंपनी इसको, वो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, इसको बनाती है। इसके जो यूज है, मेनली इसको हम तीन पर्पज में यूज कर सकते हैं। अगर हमारा गले में इचिंग हो रही है, इचिंग थ्रोट के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, सोर थ्रोट के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ कफ के लिए हम इसमें यूज कर सकते हैं, या स्नीजिंग होती है, छींकें बहुत ज्यादा आती है या नजला हो जाता है, उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके डोजेज की बात करें तो इसकी जो डोजेज होती है, एडल्ट के लिए इसकी डोज होगी 10 ml डोज, एक गिलास पानी में आपको लेनी होगी। 10 ml इसका सिरप लेंगे और एक गिलास गर्म पानी उसके साथ में आप इसको लेंगे। बहुत ही ज्यादा परेशानी है तो आप इसको 3 बार दिन में यूज कर सकते हैं या 2 बार इसको यूज कर सकते हैं। उससे छोटा बच्चा होगा, अगर बच्चा चाइल्ड है तो उसमें जो है जूनियर के लिए डोज इसकी जो है हाफ हो जाएगी, यानी 5 ml हो जाएगी, और एक गिलास गर्म पानी के साथ में 2 टाइम उसको देनी होगी, उसको 3 टाइम आप नहीं दे सकते हैं। इसकी कॉस्ट की बात करते हैं तो मार्केट में ₹160 में आपको अवेलेबल मिल जाएगी, किसी भी मेडिकल स्टोर से परचेज कर सकते हैं आप। कहीं नहीं मिलती तो हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसमें इंग्रेडिएंट जो होते हैं, मेन इंग्रेडिएंट इसमें होता है मुलेठी। मुलेठी जो है हमारे गले के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जिससे हमारा गला साफ होता है, सोर थ्रोट जो है, बंद जो गला होता है उसको खोलने में हमारी मदद करता है। दूसरा इंग्रेडिएंट इसमें होता है तुलसी। तुलसी जो है कफ के लिए और कोल्ड के लिए बहुत ही अच्छी होती है, कि अगर नजला जुखाम होता है तो हम इसमें तुलसी साथ में होती है, जिससे हमें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। इसकी पैकिंग की बात करते हैं तो अंदर से इस तरह की आपको मिल जाएगी, इस तरह से आपको सिरप मिलेगा, जो कि 200 ml में आपको सिरप होगा। इसमें काढ़ा टाइप हम इसको बोल सकते हैं, तो इस तरह का आपको पैकेजिंग इसकी मिल जाएगी। तो इस पर्पज में जो मैंने आपको बताया कि आप इसको कफिंग में यूज कर सकते हैं, स्नीजिंग में आप इसको यूज कर सकते हैं, इचिंग थ्रोट में आप इसको यूज कर सकते हैं, जो मैंने मेनली इसके यूज बताए, नजला, खांसी, जुखाम, सर्दी, सब इसमें यूज कर सकते हैं। मेनली गले से लेके कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप उस समय इसको यूज कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी जोशीना सिरप की। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।